लेकिन यहाँ पे जो पैसे की जो फाइनेंस की जरूरत है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट, जैसे लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम जब आपको फाइनेंस की जरूरत है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यू विल वेंट टू द या सॉरी यू विल गो टू द मनी मार्केट। तब आप मनी मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट को करने की कोशिश करोगे या फिर उस कर्ज को लेने की कोशिश करोगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मनी मार्केट को पढ़ना शुरू किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मनी मार्केट उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने देखे थे कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करना, देन शॉर्ट टर्म लेंडिंग प्रोवाइड करना, ये सारे काम मनी मार्केट के अंदर होते हैं। हमने ये भी समझा था कि मनी मार्केट जो होता है वो हाई लिक्विड और लो रिस्क मार्केट होता है। इट्स अ हाई लिक्विड एंड लो रिस्क मार्केट, मतलब यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जहां जिनकी मदद से यहाँ पे खरीद या फिर बेच की जाती है, बाय या सेल किए जाते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, वो हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है एंड दे आर लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट। तो हमने लास्ट लेक्चर में इन्हीं सारे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। हमने समझा था कि ट्रेजरी बिल्स क्या है, तो दे आर शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज इश्यूड बाय गवर्नमेंट्स। ये शॉर्ट टर्म की डेट सिक्योरिटीज है जिनको भारत सरकार इशू करती है। एक्चुअली भारत सरकार के ओर से आरबीआई इनको इशू करती है, लेकिन इनके बेनिफिट्स भारत सरकार को जाते हैं। तो दे आर शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज। अब शॉर्ट टर्म मतलब दे आर मैच्योर अप टू 1 ईयर। ट्रेजरी बिल्स 3 फॉर्म्स में देखी थी हमने कि 91 डेज मैच्योरिटी पीरियड, 182 डेज मैच्योरिटी पीरियड एंड 364 डेज मैच्योरिटी पीरियड की ट्रेजरी बिल्स पाई जाती है। अब हमने ये समझा था कि ये जो ट्रेजरी बिल्स है, ये ट्रेजरी बिल्स दे आर इश्यूड एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू, मतलब इनको इंटरेस्ट रेट पे नहीं बेचा जाता, इनको डिस्काउंट रेट पे बेचा जाता है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था डिस्काउंट रेट क्या होता है, कि यहाँ पे अगर मान लो कोई ट्रेजरी बिल है जिसकी प्राइस है 1 CR, 1 करोड़ रुपए उसकी टोटल फेस वैल्यू है, तो जब इस ट्रेजरी बिल को मार्केट में बेचा जाएगा तो इसको डिस्काउंट रेट पे बेचा जाएगा। मान लेते हैं 5% डिस्काउंट रेट है, तो 1 करोड़ का 5% कितना हो गया आपका, 5 लाख। तो जब इस ट्रेजरी बिल को बेचेंगे तब वो 95 लाख में बेची जाएगी, लेकिन जब ये ट्रेजरी बिल मैच्योर हो जाएगी तो मैच्योरिटी के समय पैसा रिपेमेंट किया जाएगा, तब वो पूरा पैसा फेस वैल्यू पे होगा, मतलब 1 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे। तो इसी तरीके से जो बायर है जिसने ट्रेजरी बिल को खरीदा था उसको 5% मतलब 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ ट्रेजरी बिल के ऊपर। दैट्स हाउ इनको डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू इस तरीके से बेचा जाता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेजरी बिल के बारे में ये सब देखा था। ये जो ट्रेजरी बिल है ये ज्यादातर हम देखते हैं कि रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर काफी यूज होते हैं, मतलब वैसे अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, बट मोस्ट फेमस जो मैंने आपको पढ़ाया भी था वो रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर होते हैं। कि जैसे मान लो कोई बैंक है, तो जब बैंक को आरबीआई से कर्जे चाहिए होते हैं या फिर आरबीआई को बैंक से कर्जे चाहिए होते हैं, रिवर्स रेपो, दिस इज रिवर्स रेपो, इन बोथ ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन होगा वो कोलैटरल बेस्ड होगा, मतलब किसी ना किसी चीज को गिरवी रखना पड़ेगा। अब वो किसी ना किसी चीज मतलब यहाँ पे कोई भी चीज नहीं रख सकते, इट शुड बी गवर्नमेंट बॉन्ड, और वो पर्टिकुलरली ट्रेजरी बिल्स को यहाँ पे रखा जाता है। तो एज अ कोलैटरल ट्रेजरी बिल्स आर यूज्ड। तो जब बैंक को आरबीआई से कर्जा लेना है तब बैंक आरबीआई से कर्जे मांगेगी, तब आरबीआई बैंक से क्या मांगेगी, ट्रेजरी बिल्स। तो यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक्स विल प्रोवाइड ट्रेजरी बिल टू द आरबीआई एंड रिटर्न आरबीआई विल प्रोवाइड मनी टू द बैंक। अब यहाँ पे जो ट्रेजरी बिल्स बेची जाती है वो रेपो रेट पे नहीं, एक्चुअली वो रेपो रेट से ही आपका डिस्काउंट रेट निकलता है, तो डिस्काउंट रेट पे बेची जाती है। दैट मींस रेपो रेट इज योर डिस्काउंट रेट। इस तरीके से हमने देखा था कि ट्रेजरी बिल्स के सहारे से रेपो ट्रांजेक्शन होते हैं, तो रेपो रेट इज ऑल्सो योर डिस्काउंट रेट। सो दैट्स वॉट वी लर्न अबाउट ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अब हम सबको पता है डिपॉजिट्स क्या होते हैं, बैंक के अंदर जो भी मनी एक्सेप्ट किया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट ही एक्सेप्ट किया जाता है। ये डिपॉजिट्स 2 तरीके के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट एंड व्हाट इज फिक्स्ड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट मीन्स ये वो पैसा है जो कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है, इसके लिए मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। व्हेनेवर वी डिमांड
बैंक विल अलाउ अस टू विड्रॉ दैट मनी। सो अगर आपको रात को 2 बजे स्विगी से ऑर्डर करनी है और अगर आप यूपीआई यूज करोगे तो यू आर डिमांडिंग दैट मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू पे टू द स्विगी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको, तो तब आप रात को 2 बजे पैसा विड्रॉ कर रहे हो, दैट इज पॉसिबल एंड दैट इज द फीचर ऑफ डिमांड डिपॉजिट। लेकिन एफडी के साथ इस तरीके के फीचर्स नहीं आएंगे ना, क्योंकि एफडी के अंदर जो भी पैसा है वो फिक्स्ड मैच्योरिटी के साथ आता है, इट्स फिक्स्ड मैच्योरिटी, इसलिए उसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं कि एक पर्टिकुलर समय के लिए पैसा डिपॉजिट कर दो। जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हो ना तो वो भी एक तो उसी को आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कह सकते हो, कि मान लो यहाँ पे क्या करती है बैंक यहाँ पे जो है ना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बनाती है एक एक साल के, लेस देन 1 ईयर, इसलिए उनको मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है, लेस देन 1 ईयर के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बनाएगी। मान लो कि बैंक ने बना लिया कि 10 लाख रुपए का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो उसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर रख दी, लेस देन 1 ईयर मतलब 364 डेज, 364 डेज की मैच्योरिटी पीरियड रख दी। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि आपने 364 दिन के लिए बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, उसका वो सर्टिफिकेट आपको दे रहे, इसका यही मीनिंग है। तो आपने एक साल की एफडी ही कर दी बैंक में, तो दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इनको कौन बनाता है, तो इनको बैंक्स बनाते, बैंक्स जनरेट दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट इश्यूड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी, टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं उसको, टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट। फिक्स मैच्योरिटीज रेंजेस फ्रॉम फ्यू डेज टू 1 ईयर, तो अप टू 1 ईयर की इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है। ऑफर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेबल इनटू द सेकेंडरी मार्केट। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इनको इंटरेस्ट रेट पे बेचा जाता है, और इंटरेस्ट रेट कैसा है, इसके ऊपर फिक्स्ड। दो तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग और दूसरा होता है फिक्स्ड। अब फ्लोटिंग मतलब क्या होता है कि जो बदलते रहता है समय के साथ। मान लो अगर बैंक ने आपको एक इंटरेस्ट ऑफर किया कि वो माइबोर प्लस 1% है, तो जैसे माइबोर के रेट चेंज हो गए वैसे ही आपके इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो गए। अब माइबोर क्या है, तो माइबोर मतलब ये मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट होता है। जब एक बैंक दूसरे बैंक को कर्जे देती रहती है तब उनका एक एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाला जाता है कि उस एवरेज इंटरेस्ट रेट पे वो ट्रांजेक्शन हो रहे, तो वो एवरेज इंटरेस्ट रेट जो है वो माइबोर रेट है। इस तरीके से लाइबोर भी होता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो ये इंस्टीट्यूशन के बीच में जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं वो होता है, ये बेंचमार्क की तरह काम है। तो दिस इज माइबोर, लाइबोर कोई भी हम माइबोर कंसिडर करते हैं, ये मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट है, ये मुंबई के इंडिया के अंदर यूज किया जाता है, और उसके ऊपर 1%। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा माइबोर प्लस 1%। मान लेते हैं आज 1 जनवरी को माइबोर है आपका 6%, तो आपको टोटल इंटरेस्ट रेट लगेगा 7%। 1 फरवरी को आपका माइबोर रेट हो गया 5%, ड्रॉप डाउन हो गया, तब आपका टोटल फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी ड्रॉप डाउन हो जाएगा ना, 5 + 1 हो जाएगा, तब वो 6%। दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंजिंग इंटरेस्ट रेट है इसको हम कहेंगे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। जब बैंक में कर्जे दिए जाते हैं तो वो फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों तरीके से इंटरेस्ट रेट पे कर्जे दिए जा सकते हैं। तो ये बैंक है जो आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगी कि सर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट चाहिए या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो इस तरीके से 2 तरीके के इंटरेस्ट रेट है। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है दे आर इश्यूड एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं इश्यू करते हैं। तो ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट करके कि मान लो अगर यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि 8% का इंटरेस्ट रेट आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे मिलेगा, तो वो फिक्स्ड रहेगा थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द मैच्योरिटी पीरियड। अब मैच्योरिटी पीरियड फ्यू डेज मतलब कुछ दिन से लेके 1 साल तक हो सकती है, तो पूरे समय के लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रहेगा, वो बदलेगा नहीं, अनलेस फ्लोटिंग, सॉरी अनलाइक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं इनको बैंक इशू करता है। सो बैंक इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और क्यों इशू करते हैं, क्योंकि बैंक को पैसे चाहिए, तो बैंक ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए फ्यू डेज टू 1 ईयर के, और उनकी फिक्स मैच्योरिटी होती है एंड दे ऑफर फिक्स इंटरेस्ट रेट। Also, they are negotiable instruments and tradable into the secondary market. Now, what do you mean by this? कि ये जो मान लो X person है, X person ने State Bank of India से certificate of deposit purchase किया। अब certificate of deposit उन्होंने जो purchase किया वो 10 लाख रुपए का है, correct? अब इसके ऊपर उनको 10% interest rate मिल रहा है, 1 साल के लिए, तो 10 लाख के ऊपर 10% मतलब कितना, 1 लाख रुपए। तो कुल मिला के 1 साल बाद X will receive 11 लाख रुपीस फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का।
अब मान लेते हैं कि इसको 11 लाख रुपए का टोटल, मतलब टोटल इसके पास एक्स पर्सन के पास 11 लाख रुपए आने वाले इनके पास। तो जब एक्स ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदा, उसके 3 महीने बाद उनको पैसे की जरूरत आनी पड़ी, 3 2 कुछ भी रख लो आप, बट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एक्स रिक्वायर्ड मनी। लेकिन उन्होंने 10 लाख रुपए तो इन्वेस्ट कर कर रखे थे, तब क्या वो SBI में जाएंगे और अपना पैसा वापस मांग के आ सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर मैच्योरिटी पीरियड है, तो उतने मैच्योरिटी पीरियड के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा वापस करेंगे, उसके पहले तो नहीं करेंगे। सो इन दैट सिनेरियो एक्स हैव अनदर ऑप्शन दैट दे कैन ट्रेड दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इनटू द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट ये होता है जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बेचा जाता है। तो एक्स क्या करेंगे, सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे, जैसे शेयर मार्केट इज अ सेकेंडरी मार्केट, उसी तरीके से सेकेंडरी मार्केट में एंट्री की जाएगी। और सेकेंडरी मार्केट में एक्स क्या करेंगे, अपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को बेच देंगे। तो मान लेते हैं सामने वाले अब एक्स पर्सन जो है उनको 11 लाख रुपए मिलने वाले हैं 1 साल के बाद इसके ऊपर, तब एक्स पर्सन इसको बेचते समय 11 लाख में नहीं बेचेंगे, मान लेते हैं 10.5 लाख रुपए में बेचेंगे, क्योंकि अब इनको पैसे की जरूरत है, इसलिए इन्होंने 50,000 रुपए का लॉस फील करके सेकेंडरी मार्केट में इसको बेचा और इनको वाई पर्सन ने खरीद लिया। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वेर सोल्ड इनटू द सेकेंडरी मार्केट बाय वाई पर्सन। अब जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 साल के बाद 11 लाख रुपए देगी, तब एक्स को नहीं वाई पर्सन को देगी। अब वाई पर्सन का भी 50,000 का प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि 10.5 लाख रुपए में ये खरीदा और 11 लाख रुपए उनको मिल गए, तो 50,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। तो वो कैसे हैं, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट एंड दे आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल मतलब क्या, बैंक ने इसके ऊपर सिग्नेचर की, एक्स पर्सन के भी सिग्नेचर है, तो दे आर साइन डॉक्यूमेंट्स। जैसे नोट होता है ना हमारे पास, या फिर कोई भी दुकान के अंदर बिल जनरेट होता है, तो दे आर ऑल्सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। व्हाई, बिकॉज दे आर साइन डॉक्यूमेंट्स। नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, एंड बिल के ऊपर दुकानदार के मालिक का सिग्नेचर होता है, सो दे आर साइन डॉक्यूमेंट्स, उनकी वैलिडिटी लॉ के बुक में मानी जाएगी। उसी तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी क्या है, साइन डॉक्यूमेंट्स है, दे आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे आर ट्रेडेबल इनटू द सेकेंडरी मार्केट। अंडरस्टूड? इस तरीके से हमने देखा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं जिनको बैंक्स इश्यू करते हैं टू जनरेट फंड्स। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेस देन 1 ईयर के होते हैं, फ्यू डेज टू 1 ईयर, इसलिए इनको मनी मार्केट में बेचा जाता है, दे आर इंस्ट्रूमेंट इनटू द मनी मार्केट। सो दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंस्ट्रूमेंट यूज इन मनी मार्केट। नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहेंगे कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स। अब यहाँ पे तीन वर्ड्स है, दो वर्ड्स है सॉरी, अनसिक्योर्ड एंड प्रॉमिसरी नोट। व्हाट डू मीन बाय अनसिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड मतलब कोलैटरल फ्री, कोलैटरल फ्री, यहाँ पे किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखा गया है। और प्रॉमिसरी नोट मतलब ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक साइन डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर प्रॉमिस किया होगा। जैसे नोट होती है ना आपकी, करेंसी नोट, मान लो आपके पास 100 रुपीज की नोट है, तो उसके नीचे एक प्रॉमिस लिखा होता है आरबीआई द्वारा कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूँ, और नीचे सिग्नेचर होती है। तो नोट क्या बन गई आपकी, वो जो नोट है वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और वो एक प्रॉमिसरी नोट है। आपकी जेब में जो करेंसी है ना, इट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज अ प्रॉमिसरी नोट, बिकॉज दे कम्स विद द प्रॉमिस, लायबिलिटी के साथ आती है वो। उसी तरीके से कमर्शियल पेपर भी क्या है, प्रॉमिसरी नोट है, मतलब एक पेपर के ऊपर लिखा होगा कि मैं टाटा ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि मैं टाटा ग्रुप एक्स वाई जेड पर्सन को 10 लाख रुपए दूंगा, ये एक नोट के ऊपर लिख के देंगे, नीचे सिग्नेचर होंगे, सो दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉमिसरी नोट। अब इसको अनसिक्योर्ड क्यों कहा है, क्योंकि जब ये 10 लाख रुपए देने का वादा करे, मतलब पहले 10 लाख रुपए, पहले कुछ पैसे लिए, बाद में 10 लाख रुपए मिलेंगे यहाँ पे, तो जब ये वादा किया जा रहा है, तो देर इज नो सिक्योरिटी प्लेस्ड बिहाइंड दिस प्रॉमिस, कि अगर वो ये प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करेंगे तो ऑप्शन क्या बचेगा, तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखी जाए, रखी होगी, तो उन सिक्योरिटी को बेच के पैसा वसूल किया जाएगा। बट प्रॉमिसरी नोट के ऊपर, सॉरी कमर्शियल पेपर के ऊपर किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं होती, दैट मीन्स दे आर अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स। तो यहाँ पे होगा कैसे कि मान लो एक टाटा कंपनी है और ये एक्स वाई जेड पर्सन है,
नाउ टाटा कंपनी वांट्स मनी, उनको पैसे चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एक कमर्शियल पेपर रिलीज करेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा कि मैं धारक को 10 लाख रुपए देने का वादा करता हूं, नीचे सिग्नेचर होगी टाटा ग्रुप की, ठीक है। इसके अंदर धारक का नाम भी होगा, जो भी होगा वो, मान लेते एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड पर्सन को मैं 10 लाख रुपीज देने का वादा करता हूँ, इतना ही होगा। अब इसको रिलीज किया जाएगा, मान लेते एक्स वाई जेड पर्सन ने बाय किया तो उसका नाम आ जाएगा इसके ऊपर शेयर सर्टिफिकेट के तहत। अब एक्स वाई जेड पर्सन जब इसको खरीद रहा है, तब इसको खरीदते समय 10 लाख रुपए नहीं देंगे, तो इसको भी डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू पे बेचा जाएगा। मतलब व्हेन टाटा ग्रुप इज सेलिंग दिस कमर्शियल पेपर टू द बायर, तब बायर इसको डिस्काउंट प्राइस पे खरीदेगा। मतलब 10 लाख रुपए की वैल्यू है, मान लेते हैं डिस्काउंट प्राइस उन्होंने डिसाइड की कि डिस्काउंट वैल्यू होगी 10%, तब ये जो एक्स वाई जेड पर्सन है टाटा ग्रुप को इस कमर्शियल पेपर के बदले में 9 लाख रुपए देगा। अब कमर्शियल पेपर की मान लो कि वैलिडिटी 1 ईयर की है, 364 डेज, लेस देन 1 ईयर, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन अप टू 1 ईयर की इसकी मैच्योरिटी पीरियड है। तो जब मैच्योरिटी खत्म होगी, टाटा ग्रुप एज मेड बाय प्रॉमिस ऑन दिस पेपर एक्स वाई जेड पर्सन को 10 लाख रुपए देंगे। यहाँ पे लिखा है ना फेस वैल्यू, दे विल रिसीव, एक्स वाई जेड पर्सन विल रिसीव फेस वैल्यू ऑफ द कमर्शियल पेपर, बट एक्स वाई जेड पर्सन बाय दिस कमर्शियल पेपर एट द डिस्काउंट वैल्यू ऑफ दिस कमर्शियल पेपर। तो डिस्काउंट वैल्यू 10% थी, तो आपकी तो 10 लाख रुपए में से 10% माइनस कर दो, 1 लाख रुपए निकल गए, तो 9 लाख रुपए टाटा ग्रुप को मिल गए। सो बेसिकली इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है, टाटा ग्रुप हैव बोरोड 9 लाख रुपीज फ्रॉम एक्स वाई जेड पर्सन, और मैच्योरिटी पीरियड के बाद टाटा ग्रुप में एक्स वाई जेड पर्सन को 10 लाख रुपए दिए, तो एक्स वाई जेड पर्सन का 1 लाख रुपए का फायदा हो गया ना। तो एक्स वाई जेड पर्सन ने कमर्शियल पेपर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं अर्न किया है, तो एक्स वाई जेड पर्सन ने जो रिटर्न ऑन एसेट है उसका वो डिस्काउंट डिफरेंस से निकला है, डिस्काउंट प्राइस एंड फेस वैल्यू दोनों के डिफरेंस से उसका रिटर्न निकला है। इस तरीके से कमर्शियल पेपर का यूज किया जाता है। अब कमर्शियल पेपर कौन इशू कर रहा है, कोई बैंक इशू कर रही है तब नहीं, एक कॉरपोरेशन यूज कर रही है, एक कॉरपोरेट यूज कर रही है, मतलब प्राइवेट कंपनीज। तो दीज आर अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय कॉरपोरेशन टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स लेस देन 1 ईयर ना, तो शॉर्ट टर्म फंड को रेज करने के लिए कमर्शियल पेपर्स का सहारा लिया गया। फिक्स मैच्योरिटीज रेंजेस फ्रॉम फ्यू डेज टू 1 ईयर, अगेन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की तरह, एक कुछ दिन से मतलब 1 डे टू 364 डेज के बीच में इसकी मैच्योरिटी पीरियड जाएगी। टिपिकली इश्यूड एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इश्यूड एट इंटरेस्ट रेट, जबकि कमर्शियल पेपर आर इश्यूड एट डिस्काउंट रेट, इनको किस पे डिस्काउंट रेट पे बेचा जाता है। जनरली ये जो डिस्काउंट रेट है ना, इट इज सिमिलर टू द इंटरेस्ट रेट, यस इंटरेस्ट रेट की तरह ही सिमिलर होता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि अगर एक्स वाई जेड पर्सन किसी बैंक में एफडी करेंगे, तो एफडी के ऊपर उनको 8% इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो 80,000 रुपये तक कमाएंगे वहां पे, तो जो डिस्काउंट रेट होगा ना वो भी 8 से 9% के अराउंड ही होगा, इसी रेंज में वो खेलता रहेगा। सो दैट्स हाउ डिस्काउंट रेट और आपका जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है ना, वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बस एकदम मामूली डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते ना। अगर ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो लोग बैंक में नहीं जाएंगे, सारे के सारे लोग कमर्शियल पेपर को खरीदने में मनी मार्केट में एंट्री करेंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई जो कमर्शियल पेपर है उनका जो डिस्काउंट रेट है वो मार्केट बोरोइंग रेट के नजदीक ही रहता है। तो याद रखना, दे आर अनसिक्योर्ड, कमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, मतलब दे आर साइन डॉक्यूमेंट इशूड बाय कॉर्पोरेशन, कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन इनको इशू कर सकती है टू रेज शॉर्ट टर्म फंड, और ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म मतलब 1 डे टू 1 ईयर के बीच में पैसा अगर रेज करना है तब कमर्शियल पेपर्स का सहारा लिया जाएगा, और इनको सोल्ड करने के लिए डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू का यूज किया जाता है। सो दिस इज हाउ कमर्शियल पेपर्स आर यूज इन टू द मार्केट, मनी मार्केट। नेक्स्ट इज रिपर्चेस एग्रीमेंट रिपोर्ट्स, रिपर्चेस एग्रीमेंट हम लोगों ने मनी मार्केट के अंदर इस चीज को भी देखा था, सॉरी नॉट मनी मार्केट, माय मिस्टेक, मॉनेटरी पॉलिसी। सो वी हैड स्टडीड अबाउट दिस रिपर्चेस एग्रीमेंट इन टू द मॉनेटरी पॉलिसी, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि दे आर शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स। सो दीज आर शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स आर वेयर वन पार्टी सेल सिक्योरिटीज विथ एन एग्रीमेंट टू रिपर्चेस एट लेटर डेट, सिंपल। कुछ
बैंक है और आरबीआई है। अब जब बैंक को आरबीआई से कर्जा चाहिए तो आरबीआई क्या मांगेगा? सिक्योरिटी मांगेगा वहां से, मतलब बैंक शुड प्रोवाइड सिक्योरिटी इनटू द आरबीआई। सो बैंक आरबीआई में कौन सी सिक्योरिटी प्लेस करेगा? तो वहां पे ट्रेजरी बिल्स प्लेस किए जाएंगे, ट्रेजरी बिल्स। जब बैंक आरबीआई में ट्रेजरी बिल देगा तब आरबीआई बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा। मान लेते 10 लाख रुपए का लोन है और ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी है 91 डेज की। सो यहाँ पे ऑब्लिगेशन क्या है बैंक के पास? बैंक के पास ऑब्लिगेशन होगा, मतलब मैक्सिमम 91 डेज की ट्रेजरी बिल है और बैंक को चाहिए 2 दिन के लिए कर्जा, फॉर 2 डेज, या फिर सिंगल डे के लिए, एक ही दिन के लिए मानते हैं, एक दिन के लिए कर्जा चाहिए। अब बैंक क्या कहेगी कि मुझे एक दिन के लिए कर्जा चाहिए, तो आरबीआई एक दिन का कर्जा देगा 10 लाख रुपए, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मतलब रेपो रेट होगा आपका। अब उसको डिस्काउंट करके ट्रेजरी बिल पे लगाया जाएगा। तब यहाँ पे जब बैंक आरबीआई से एक दिन का कर्जा मांग रही है तब यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन क्या लगेगा कि एक दिन के मतलब 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे के बाद जब बैंक आरबीआई को पैसे देगी तब ये ट्रेजरी बिल को रिपर्चेस करना पड़ेगा। मतलब बैंक एक दिन के बाद आरबीआई में पैसा जमा करेगी इंटरेस्ट के साथ, और तब आरबीआई ये जो ट्रेजरी बिल बैंक ने जमा की थी ना एज अ कोलैटरल, इसको वापस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, बैंक ने कर्जा वापस करके ट्रेजरी बिल को रीपर्चेस कर लिया। एट द फर्स्ट इंस्टेंस यहाँ पे हुआ क्या था कि बैंक ने आरबीआई ने बैंक को पैसे दिए और आरबीआई से ट्रेजरी बिल को परचेस किया। एक दिन बाद जब बैंक ने आरबीआई के पैसे वापस किए तो बैंक ने आरबीआई से इस ट्रेजरी बिल को रीपर्चेस कर लिया। इस तरीके के ऑपरेशन को आप कहते हैं रीपर्चेस एग्रीमेंट्स। और ये रीपर्चेस एग्रीमेंट्स कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं आपके मनी मार्केट, डन इन टू द मनी मार्केट। कॉमनली यूज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ऑफन यूज एज अ कोलैटरल। ये जो चीज मैंने अभी बताई ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दे आर ऑफन यूज एज अ कोलैटरल। तो जब बैंक को आरबीआई से कर्जा चाहिए था तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब ट्रेजरी बिल का यूज किया एज अ कोलैटरल। और शॉर्ट टर्म के लिए, अभी एक दिन के लिए कर्जा लिया तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हो गया वो। तो दैट्स हाउ रिपर्चेस एग्रीमेंट फंक्शन इन टू द मनी मार्केट। ओके, तो इसको रेपो ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्ट्स। नाउ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ये नई चीज है, इसके लिए समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो कि म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि एक मैनेजर होता है, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर है। अब ये मैनेजर एक एक्सपर्ट है, फाइनेंस का एक्सपर्ट है। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट देयर मनी बट दे डोंट हैव फाइनेंशियल नॉलेज। उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। दे गॉट देयर मनी बट दे डोंट हैव नॉलेज, नेसेसरी नॉलेज टू इन्वेस्ट देयर मनी इन टू द फाइनेंस मार्केट। सो इन दैट सिनेरियो दिस मैनेजर हेल्प दिस पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी। अब कैसे होता है कि ये जो मैनेजर है ना, एक फंड बनाएंगे। मान लेते हैं इस मैनेजर ने 100 करोड़ का फंड बनाया। अब 100 करोड़ के फंड को, 100 करोड़ का जो फंड बनाया है, इस फंड के अंदर पैसे हैं, ये मैनेजर नहीं डालेंगे। ये मैनेजर क्या करेंगे? लोगों से पैसा मांगेंगे। तब हर कोई इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। मान लेते हैं हमारे पास, हमने एग्जाम्पल में 5 इंसानों को कंसिडर किया, तो एवरीवन विल पे 20 करोड़। हर कोई 20 20 करोड़ रुपए डालेगा। मैनेजर का काम क्या है? सबसे 20 20 करोड़ रुपए जमा करो, इससे 100 करोड़ का फंड जो बनाया है वो अपने एक्सपर्टीज का यूज करके किसी एक जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल से द म्यूचुअल फंड इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। जब बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल कॉल म्यूचुअल फंड इज डेट म्यूचुअल फंड। अगर दोनों मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल कॉल म्यूचुअल फंड इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इस तरीके से अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को देखा जाता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड जनरली कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट है। आजकल क्या हो गया है कि ये जो मैनेजर्स है ना, ये ही म्यूचुअल फंड का पैसा मनी मार्केट में भी लगा देते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट फंड दैट पूल्स मनी फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ये जो इंडिविजुअल से पैसा लिया है इन्वेस्टर, एंड इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, प्रोवाइड एक्सेस टू द मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट विद रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट।
मतलब यहाँ पे जो भी पैसा डाला जाएगा, तो मान लेते ये मैनेजर क्या कर लेगा, इन पैसे से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद लेंगे, ट्रेजरी बिल खरीद लेंगे, हाँ कमर्शियल पेपर खरीद लेंगे। तो जब इन 100 करोड़ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी की जाएगी, तब हम कहेंगे कि वो जो म्यूचुअल फंड है वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है। सिंपल लॉजिक यहाँ पे कि ये जो 100 करोड़ रुपए है ना, अगर ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होते तो कैपिटल म्यूचुअल फंड बन जाएगा, लेकिन यही 100 करोड़ रुपए ट्रेजरी बिल्स को खरीदने में यूज किए जाएंगे, तब हम कहेंगे कि ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है। सिंपल। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सिंगल मैनेजर होगा एक्सपर्ट, उसका काम क्या होगा कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर से पैसा जमा करे और उन सबसे पैसा जमा करके एक लार्ज फंड बनाए। उस लार्ज फंड को कहेंगे म्यूचुअल फंड। अब इस लार्ज फंड को किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करे अपनी एक्सपर्टीज का यूज करते हुए, दिस इज म्यूचुअल फंड स्कीम। अब दिस म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, इससे मार्केट रिस्क भी होगा, लेकिन ये जो एक्सपर्ट पर्सन है ना, अपने नॉलेज का यूज करके मार्केट रिस्क को कम से कम रखने की कोशिश करेगा। दिस इज बेनिफिट फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर का बेनिफिट है, क्योंकि हमको क्या पता, इंडिविजुअल इन्वेस्टर को क्या पता कि कौन से शेयर की प्राइस अच्छी है, कौन से बॉन्ड की प्राइस अच्छी है, कहाँ की प्राइस कैसी है, ये तो एक्सपर्ट को पता होगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड बनते हैं। तो दिस इज योर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। सो गाइस, नेक्स्ट इज कैश मैनेजमेंट बिल, CMB। दीज आर ऑल्सो न्यू थिंग्स। हमने प्रीवियस स्लाइड में ट्रेजरी बिल को पढ़ा था। व्हाट आर ट्रेजरी बिल्स? दीज आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। दीज आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब शॉर्ट टर्म है मतलब लेस देन 1 ईयर, लेकिन हमने देखा था कि ट्रेजरी बिल की जो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है वो 91 डेज की है। कितनी है? 91 डेज की है मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड। 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, तीन हमने वेरिएंट देखे थे। तो मिनिमम कितनी? 91 डेज। तो अब तो 91 डेज की मैच्योरिटी पीरियड है, उससे कम की मैच्योरिटी पीरियड हमको नहीं मिलती है। पहले मिलती थी 14 डेज की मैच्योरिटी पीरियड, लेकिन हम आरबीआई ने उसको कैंसिल कर दिया, उस ट्रेजरी बिल को। तो राइट नाउ मिनिमम 91 डेज की मैच्योरिटी पीरियड के साथ ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं। लेकिन व्हाट इफ एनीवन वांट्स लोन बिलो देन 91 डेज पीरियड? तब जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा वो होगा कैश मैनेजमेंट बिल। तो ये ट्रेजरी बिल की तरह ही है। कैश मैनेजमेंट बिल आर अलाइक ट्रेजरी बिल। तो कैश मैनेजमेंट बिल आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करते हैं, इनको भी कौन करते हैं? इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट। ट्रेजरी बिल का भी यूज किस लिए किया जाता है? शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट के लिए। इसका भी यूज किसके लिए किया जाएगा? शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। और इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होगी वो लेस देन 91 डेज की होगी। इतना ही डिफरेंस है कैश मैनेजमेंट बिल एंड ट्रेजरी बिल के अंदर। जो भी ट्रेजरी बिल है वो 91 डेज से अधिक मैच्योरिटी पीरियड के साथ आएगी, जो भी कैश मैनेजमेंट बिल है वो 91 डेज से कम की मैच्योरिटी पीरियड के साथ आएगी। सो कैश मैनेजमेंट बिल आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। सरकार को शॉर्ट टर्म लेस देन 91 डेज के कर्जे चाहिए, तब सरकार कैश मैनेजमेंट बिल का सहारा लेगी, क्योंकि इनके साथ जो मैच्योरिटी पीरियड आएगा वो लेस देन 91 डेज का है। अप टू 91 डेज मैच्योरिटी पीरियड होता है, अप टू 91 डेज। तो 91 डेज के बाद ये जो है क्या बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल, ये एक्सपायर्ड हो जाएगा, तब क्या ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज योर कैश मैनेजमेंट बिल, अनदर इंस्ट्रूमेंट इन टू द मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर जो और एक इंटरेस्टिंग चीज है वो कॉल मनी, टर्म मनी एंड नोटिस मनी। व्हाट इज कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी? ओके, कोई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वांट्स लोन ऑफ 10 लाख रुपीज। उनको 10 लाख रुपीज इमीडिएट लोन चाहिए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैव टू ऑप्शंस, आइदर दे कैन आस्क फॉर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट पे इनको कर्ज दे दे।
अगर आरबीआई से नहीं लेना है तो दे हैव अनदर ऑप्शन टू बोरो इट मनी फ्रॉम मार्केट, इनको दूसरे मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। जब मार्केट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 लाख रुपए को बोरो करने की कोशिश करेगी, तब जिस रेट पे वो पैसे मिलेंगे वो कॉल मनी रेट हो, रेट कौन से हो गया, कॉल मनी रेट। अब यहाँ पे होगा क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो मैनेजर, ये जो भाई साहब होंगे, ये मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर दूसरी बैंक के आईसीआईसीआई, यहाँ पे आईसीआईसीआई, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर भाई साहब को फोन करेंगे कि भाई तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है क्या एक्स्ट्रा। सो आईसीआईसीआई के मैनेजर कहेंगे हाँ है, तो मुझे तुरंत दे दो। तो आईसीआईसीआई मैनेजर विल ट्रांसफर 10 लाख रुपीज एज अ लोन टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो सारा ट्रांजेक्शन होगा ये फोन पे होगा। दैट्स वाई दिस इज नोन एज कॉल मनी मार्केट, या पे फोन पे पैसा मिल जाता है। आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा है ना कि 2 पेटी भेज दो, 4 पेटी भेज दो, इसी तरीके से फोन लगा के बोलेंगे कि 10 लाख रुपए भेज दो, 4 लाख रुपए भेज दो। ठीक है, तो कॉल मनी इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज मनी एट कॉल, फोन पे पैसा मिल जाता है। इट डील्स विद वेरी शॉर्ट टर्म फंड्स एंड इट इज डिमांडेड एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर फ्यू अवर्स टू वन डे, मतलब मैक्सिमम एक दिन का कर्जा मिलेगा, वन डे। तो मुझे चाहिए तो 3 घंटे के लिए भी पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे घंटे के बेसिस पे पैसे मिलते हैं, लेकिन जो रेट लगेगा वो कॉल मनी रेट लगेगा। यहाँ पे इट इज रिलेटेड टू द रेपो रेट, ये रेपो रेट के एकदम नजदीक होता है, क्योंकि रेपो रेट भी ऑल्सो, रेपो रेट इज ऑल्सो ओवरनाइट रेट ना, ये भी एक दिन का कर्जा है। रेपो रेट मतलब क्या है, ये भी ओवरनाइट। तो जो कॉल मनी रेट होता है ये भी रेपो रेट के अराउंड ही घूमता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। तो एक दिन के लिए कर्जा चाहिए आपके बाजू, आपकी बाजू वाले एक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाजू में अगर आईसीआईसीआई बैंक है, वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिमांड मनी फॉर द वन डे मैक्सिमम, तब वो कॉल मनी मार्केट से पैसा उठा रही है, ये हम कहेंगे। अगर एक दिन से ज्यादा पैसा चाहिए, तो एक दिन से ज्यादा मतलब कितना, 2 to 14 days, तो उसको हम कहेंगे नोटिस मनी। सेम तरीके से फोन उठाओ, फोन लगाओ और बोलो कि 10 लाख रुपए चाहिए 2 हफ्ते के लिए, तो यहाँ पे 14 दिन तक जो पैसे मिलेंगे ना, तो वो नोटिस मनी मार्केट का हिस्सा है। सो दैट्स हाउ नोटिस मनी के अंदर हम देखते हैं कि अप टू 14 डेज मार्केट से कर्जा मिलता है, यहाँ पे नोटिस मनी रेट चलता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे टर्म मनी मार्केट है। व्हाट इज टर्म मनी मार्केट, कि यहाँ पे बियॉन्ड 14 डेज, 14 दिन से ज्यादा के लिए कर्जा मिलता है। 14 दिन से ज्यादा कितना, अप टू 1 ईयर, मतलब 364 डेज, 364 दिन तक यहाँ पे पैसा मिलेगा। सी में 1 ईयर किया था ना, तो 1 ईयर से 365 डेज, 365 दिन का होता है ना, तो क्या बोलते हैं, मनी मार्केट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो लेस देन 1 ईयर होते हैं, तो 364 इसलिए मैं कहता हूँ, 365 से एक दिन कम। सो टर्म मनी के अंदर आपको 14 दिन से ज्यादा के कर्जे मिल जाते हैं, तो वो क्या है, टर्म मनी मार्केट। ये भी कैसा है, फोन पे पैसा मिल जाएगा आपको। तो कॉल मनी, टर्म मनी एंड नोटिस मनी, जब बैंकों को या फिर किसी संस्था को मार्केट से पैसे चाहिए, एक दिन का पैसा चाहिए, तो दे विल बोरो फ्रॉम कॉल मनी। एक दिन से ज्यादा मतलब 2 से 14 दिन के पैसे चाहिए, तो दे विल बोरो फ्रॉम नोटिस मनी मार्केट। अगर उनको 14 दिन से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, तो दे विल बोरो फ्रॉम टर्म मनी मार्केट। अंडरस्टूड? जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी और बढ़ते जाएगा, क्योंकि लॉन्गर द ड्यूरेशन हायर द इंटरेस्ट रेट, ये सिंपल रूल है यहाँ पे। आप जितने ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का कर्जा लोगे, उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करते जाएंगे। सो दिस इज इंस्ट्रूमेंट्स इनटू द मनी मार्केट। तो कॉल मनी, नोटिस मनी क्या है, आई होप सो दिस मेक सम सेंस टू यू गाइस। तो गाइस, अभी तक हमने मनी मार्केट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा है। यहाँ पे मैं क्विकली रिकैप करता हूँ इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का, कि मनी मार्केट के अंदर हमने सबसे पहले देखा था ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज, सरकार जब शॉर्ट टर्म की डेट सिक्योरिटीज इशू करेंगे तो वो ट्रेजरी बिल्स है। इनकी मैच्योरिटी 91 डेज से ज्यादा होती है। इसी तरीके से जो अनदर सिक्योरिटी है उनको हम कहेंगे कैश मैनेजमेंट बिल। तो कैश मैनेजमेंट बिल भी सरकारी सिक्योरिटी है, लेकिन इनकी मैच्योरिटी 91 डेज से कम होती है। मतलब जहां पे कैश मैनेजमेंट बिल की लिमिट खत्म होती है, वहां से ट्रेजरी बिल की लिमिट शुरू होती है, मैच्योरिटी पीरियड की। ठीक है, फिर हमने देखा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। व्हाट इज दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जब बैंक मार्केट से पैसे बोरो करने की कोशिश करेगी, तो दे विल ऑफर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि दे आर सोल्ड आउट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे ही बेचा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। व्हाट इज कमर्शियल पेपर, जब कोई भी कॉर्पोरेट
प्राइवेट कॉर्पोरेट कर्जा लेने के लिए, शॉर्ट टर्म के कर्जे लेने के लिए मार्केट में एक प्रोमिसरी नोट इशू करेंगे, तो प्रोमिसरी नोट मतलब कमर्शियल पेपर है, और इनको डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू पे बेचा जाता है, इनको डिस्काउंट रेट पे ही बेचा जाएगा। फिर हम देखते हैं कि देयर आर रिपर्चेस अग्रीमेंट, जैसे कि रिपो ट्रांजेक्शन आर रिपर्चेस एग्रीमेंट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे अगर कोई भी सिक्योरिटी प्लेज कर रहे हैं तो उस सिक्योरिटी को वापस खरीदने की बोली की जाती है, कि मैं अगर आपको कोई किसी ट्रेजरी बिल को दे रहा हूँ कर्जे के बदले में, तब मैं आपका कर्जा वापस करते हूँ, मैं अपने ट्रेजरी बिल को वापस ले लूंगा। इस तरीके का जो एग्रीमेंट है वो रिपर्चेस एग्रीमेंट होता है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड मतलब ये म्यूचुअल फंड है जो मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी मार्केट क्या होता है कि ये जब प्राइवेट मार्केट से पैसे उठाने बोरोइंग करने की कोशिश की जाएगी तब कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मार्केट नोटिस मनी कहते हैं इन चीजों को। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा मनी मार्केट खत्म होता है। मनी मार्केट से जुड़ा है, सॉरी, मनी मार्केट से ही जुड़ा हुआ है हमारा कैपिटल मार्केट। फाइनेंस मार्केट के दो हिस्से ना, एक तो मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। गाइस मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कैपिटल मार्केट क्या है उसका एक सिनॉप्सिस दिया था कि वो क्या होता है, आपको एक उसका एक आइडिया दिया था। तुमने आइडिया में क्या समझा था कि जो कैपिटल मार्केट है वो ऐसा मार्केट है जहां पे लॉन्ग टर्म की बोरिंग होती है। जब मनी मार्केट में हम एंट्री करते हैं तब अप टू 364 डेज उतना ही पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा का पैसा चाहिए तो वी नीड टू गो इनटू द कैपिटल मार्केट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दोनों मार्केट का डिफरेंस भी बताया था, ये वो डिफरेंस है, ठीक है। बट डेफिनेशन हम क्या कहते हैं कि कैपिटल मार्केट वो है जहां पे लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है, खरीदे या फिर बेचा जाता है। अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये डिफरेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि पैसे की रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर किसी कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करना है, मान लेते हैं कि दिल्ली के अंदर एक प्लांट है, मुंबई के अंदर दूसरा प्लांट ओपन करना है, तो दूसरा प्लांट ओपन करने के लिए कंपनी को ज्यादा समय के लिए पैसा चाहिए ना। कंपनी वॉन्ट मनी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, दो दो चार चार दिन के लिए या फिर दो महीने के लिए पैसे लेके क्या करेगी कंपनी, कंपनी का तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि एवरी टाइम अगर मान लेते हैं कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करने के लिए एक एक हफ्ते की फंडिंग मिल रही है, एक एक वीक की, तो इस हफ्ते में मिल गया, अगले हफ्ते में नहीं मिला तो क्या करेंगे, कंपनी काम रोक देगी, तो ये प्रॉब्लम है ना। सो दैट्स व्हाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है कि लॉन्गर ड्यूरेशन, दो साल, तीन साल, पांच साल के लिए पैसे मिल जाए तब कंपनी जाएंगे कैपिटल मार्केट। लेकिन उसी कंपनी को जब अपना रॉ मटेरियल खरीदना है प्रोडक्शन करने के लिए, तब वो दो चार साल का कर्जा नहीं लेगी ना, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर वो एक प्रोडक्ट बना रही है तो 3 महीने के अंदर प्रोडक्शन हो जाएगा टोटल, 3 महीने के अंदर वो चीज को मार्केट में बेचा जाएगा, 3 महीने के बाद उस चीज को बेच के कंपनी के अंदर पैसा आ जाएंगे। तो व्हाई वुड कॉर्पोरेशन बाय फॉर देयर रॉ मटेरियल, व्हाई वुड कॉर्पोरेशन बाय देयर लोन फॉर हायर इंटरेस्ट रेट, तो वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे उनको उस लोन को लेने की कोशिश करेंगे, और वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे कहाँ पे मिलेगा, मनी मार्केट के अंदर मिलेगा। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिफरेंस क्लियर किया था, वही चीज यहाँ पे लिखी है, दैट मनी मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, सॉरी कैपिटल मार्केट, और मनी मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। फिर हमने समझा था कि मैच्योरिटी पीरियड कैसा होता है। कैपिटल मार्केट में जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 ईयर और मोर होता है। अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो तो शेयर की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है क्या वो 1 साल से कम की होती है, तो एक्चुअली शेयर की कोई मैच्योरिटी पीरियड होती ही नहीं, देयर नो मैच्योरिटी पीरियड, उनके ऊपर कोई मैच्योरिटी पीरियड होती नहीं, जब तक की कंपनी है तब तक ये शेयर अलाइव है, जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी शेयर भी खत्म हो जाएंगे, तो वो उनकी मैच्योरिटी काफी लंबी होती है। अगर कोई बॉन्ड लॉन्ग टर्म के बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं तो 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल, इस तरीके से उनकी मैच्योरिटी पीरियड आती है। लेकिन जो मनी मार्केट है वो अप टू 1 ईयर होते हैं, 364 डेज तक होते हैं। लिक्विडिटी की बात की थी मैंने कि कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी कैसी है, कम है, और मनी मार्केट में लिक्विडिटी कैसी है, ज्यादा है। अब ये कैसे है, क्योंकि मनी मार्केट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो अप टू 1 ईयर ही रखे जाएंगे ना, तो 364 दिन के बाद इन्वेस्टर को उसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूंगा, मान लो किसी इन्वेस्टर ने 5 साल का बॉन्ड खरीदा है, 5 ईयर बॉन्ड खरीदा है, तो 5 साल तक उस इन्वेस्टर को कैपिटल मार्केट से पैसे वापस नहीं मिलने वाले, उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचने पड़ेंगे। लेकिन अपने ही बॉन्ड को वापस देके वो 10,000 अपने पूरे पैसे वसूल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई हम देखेंगे कि कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी लोअर है कंपेयर टू द मनी मार्केट।
रिस्क कैसा है, कैपिटल मार्केट में ज्यादा है और मनी मार्केट में कम है, क्योंकि कैपिटल मार्केट स्पेकुलेशन के आधार पर काम करता है। स्पेकुलेशन मतलब अफवाह। एक छोटी सी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी और पूरा का पूरा अडानी ग्रुप क्रैश हो गया। अब उस रिपोर्ट के अंदर कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये किसी को पता नहीं है, पूरी बात किसी को पता नहीं, बट फिर भी अदानी ग्रुप के शेयर का लॉस तो हो गया ना। तो वो क्या है, रिस्क। वो क्या बताता है, रिस्क। मनी मार्केट के अंदर रिस्क कम होता है। अब रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा हो गए, तो दैट्स व्हाई कंपेयर टू द मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट विल प्रोवाइड यू हायर रिटर्न्स और मनी मार्केट प्रोवाइड यू लोअर रिटर्न्स। अब कैपिटल मार्केट की इंस्ट्रूमेंट्स, तो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये एक्सचेंज हो गए। जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हमने देखे थे, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, रिपर्चेस अग्रीमेंट्स, स्वैप्स, ये सारी चीजें क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। जबकि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, करेंसीज, डेरिवेटिव्स, ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है पीपीटी बनाते समय, तो बस इस चीज को नोट कर लेना गाइस कि ये जो यहाँ पे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, दीज आर दीज इंस्ट्रूमेंट्स, एंड कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ये दूसरे वाले कॉलम में लिखे हैं। सो मीनिंग कैपिटल मार्केट का, तो कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी बैक सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। लॉन्ग टर्म की डेट, डेट यानी कर्जा, इक्विटी, इक्विटी यानी शेयर्स, डेट और इक्विटी बैक सिक्योरिटीज आर ट्रेड एंड सोल्ड। सप्लायर्स आर पीपल, ऑर्गेनाइजेशन विद कैपिटल टू लेंड और इन्वेस्ट। बैंक्स एंड इन्वेस्टर आर कॉमन एग्जाम्पल्स। सेबी गवर्न्स द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। कैपिटल मार्केट के अंदर रेगुलेटर कौन है, सेबी, जबकि मनी मार्केट के अंदर रेगुलेटर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज अ रेगुलेटर इन टू द मनी मार्केट। एंड सेबी इज अ रेगुलेटर इन टू द कैपिटल मार्केट। सो गाइस जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट के अंदर टाइप्स आएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब फाइनेंस मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, और कैपिटल मार्केट के अंदर अब अगेन टू टाइप्स पड़ेंगे। पहला टाइप है प्राइमरी मार्केट, दूसरा टाइप है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या है, तो प्राइमरी मार्केट मतलब ऐसा मार्केट होता है जहां पे न्यू सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको सिक्योरिटी क्या होता है। सिक्योरिटी मतलब फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट्स अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, वो सिक्योरिटी है। जैसे बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, शेयर इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, डिबेंचर इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर एंड एक्सेट्रा। इस तरीके से मैं बहुत और एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हम लोगों ने मनी मार्केट के अंदर भी देखे, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन बायर एंड सेलर, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एक वर्ड में सिक्योरिटीज। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे ओल्ड सिक्योरिटीज ट्रेड किए जाते हैं। क्या उसी तरीके से होता है गाइस कि जब आप, आपको नई गाड़ी लेनी, मान लेते हो आपको एक नई बुलेट खरीदनी, कोई भी गाड़ी आपकी पसंद की, अगर आपको जब वो नई गाड़ी खरीदनी है तब आप शोरूम में ही जा सकते हो ना उस नई गाड़ी को खरीदने के लिए। आपको सड़क में मिलेगी कि वो बाइक किसी दोस्त के पास मिलेगी क्या, नई बाइक नहीं मिलेगी। अगर आपको ब्रांड न्यू बाइक खरीदनी तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज शोरूम। आपके पास एक ही ऑप्शन क्या है, शोरूम। तो जैसे गाड़ियों के लिए शोरूम होता है, उसी तरीके नई सिक्योरिटीज के लिए प्राइमरी मार्केट होता है। एवरी न्यू सिक्योरिटी इज ट्रांजेक्टेड इन टू द प्राइमरी मार्केट। जब उसको प्राइमरी मार्केट में बेचेंगे और फिर से उसको रिसेल करेंगे, उसको दोबारा से बेचेंगे, तब वो चीज सेकेंडरी मार्केट में जाएगी। अब जब वो सेकेंडरी मार्केट में जा रही है तब ये जो सिक्योरिटीज है अब ये पुरानी हो गई, दूसरी बार बेच रहे हैं ना, इसलिए उनको सेकेंडरी मार्केट में बेचेंगे। उसी तरीके से क्योंकि जैसे कि आपको, आपने नई गाड़ी खरीदी शोरूम से, अब आपने 2 4 महीने यूज किया, आप बोर हो गए, आपको अब वो गाड़ी अच्छी नहीं लग रही, तब आप उस गाड़ी को बेचने की कोशिश करोगे। सो व्हेन यू सोल्ड इट, तब आप उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचोगे। सेकेंडरी मार्केट मतलब फिर आप आपके दोस्त को बेच सकते हो, किसी गैरेज को बेच सकते हो, इस तरीके से आप सेकेंडरी मार्केट में उस चीज को बेचोगे।
लेकिन जब सेकेंडरी मार्केट में आपकी गाड़ी को खरीदा जाएगा तब उसको सेकेंड हैंड बोलेंगे ना, हम कहेंगे सेकेंड हैंड बाइक खरीदी मैंने, तो वो सेकेंडरी मार्केट में खरीद रहे हो। अंडरस्टूड? इस तरीके से प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट हम देखते हैं। सो प्राइमरी मार्केट इज फॉर ट्रेडिंग फ्रेशली इश्यूड सिक्योरिटीज। फ्रेशली मतलब एकदम न्यू, नए, दैट इज फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग। इट इनेबल्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इट ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट को क्या कहते हैं? न्यू इशू मार्केट, मतलब नई चीजों को इशू कर रहे हैं ना। इट जस्ट लाइक योर शोरूम, गाड़ियों का शोरूम होता है ना, ये उसी तरीके से। तो ये चीज है आपकी प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके से इशू किया जाता है। अगर प्राइमरी मार्केट के अंदर किसी शेयर को पहली बार में, शेयर शेयर का एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है ना, शेयर इज अ सिक्योरिटी। ये एग्जांपल सारे सिक्योरिटीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो शेयर इज अ सिक्योरिटी। सो व्हेन यू सोल्ड अ न्यू शेयर इनटू द प्राइमरी मार्केट, और वो जनरल पब्लिक के लिए यूज कर रहे हैं आप, तब आपने, मान लेते आपकी एक कंपनी है, मान लेते टाटा, टाटा ग्रुप एकदम एक कंपनी है। टाटा ग्रुप ने अपनी कंपनी के नए शेयर्स इश्यू किए, सो तो प्राइमरी मार्केट में जाएंगे। अब टाटा ग्रुप ने जो नए शेयर इश्यू किए वो सारे लोगों को, मतलब सारे इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है, जनरल पब्लिक। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिग इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, होलसेल इन्वेस्टर, इसी तरीके से कुछ भी डिफरेंस नहीं। कोई भी पर्सन जिसके पास पैसा है वो ही शेयर को खरीद सकता है, तब हम कहेंगे उसको पब्लिक इशू, जनरल पब्लिक के लिए इशू किया जा रहा है। तो टाटा ग्रुप जब जनरल पब्लिक के लिए कोई भी शेयर इशू करेंगे हम कहेंगे पब्लिक इशू। इसको आप आईपीओ भी कहते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, नॉर्मल वर्ड में यू कॉल इट एज अ आईपीओ। नाउ व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि टाटा ग्रुप ने अपने नए शेयर इशू किए। अब नए शेयर इशू करते समय टाटा ग्रुप ने यहाँ पे कहा कि मैं जनरल पब्लिक के लिए उनको नहीं इशू करूंगा, मैं किनको इशू करूंगा? जो ह्यूज इन्वेस्टर्स है, बिग इन्वेस्टर्स, होलसेल इन्वेस्टर्स है, क्योंकि उनको रिटेल इन्वेस्टर्स से जो दो चार लाख रुपए मिलने वाले उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको बड़ी अमाउंट चाहिए। बड़ी इन्वेस्टर मतलब स्टेबल इन्वेस्टमेंट आएगी वहां से। सो दे वॉन्ट ह्यूज इन्वेस्टर, तो वो क्या करेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करके वो कहेंगे कि सिलेक्टिव लोगों को ही मेरे शेयर बेचे जाएंगे। वो सिलेक्टिव लोग कौन होंगे? तो वो बैंक, सॉरी टाटा ग्रुप डिसाइड करेगा, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाएगा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है कि यहाँ पे प्राइवेट और सिलेक्टिव इन्वेस्टर्स को ही इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। अंडरस्टूड? नाउ राइट इशू, थर्ड इज राइट इशू। अब टाटा ग्रुप ने नए शेयर इशू किए, अब टाटा ग्रुप कहती है कि जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, वो किसी प्राइवेट लोगों के लिए भी नहीं है, तो किन के लिए है? तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मान लेते हैं कि किसी ने पहले ही बैंक, सॉरी टाटा ग्रुप के अंदर अपने शेयर खरीद के रखे, तो वो शेयर होल्डर है टाटा ग्रुप का। अब टाटा ग्रुप जब राइट इश्यू करेगी तब उन्हीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये शेयर खरीदने का ऑप्शन मिलेगा, बाकी दूसरे नहीं, न्यू बायर्स नहीं आएंगे। ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन बाय राइट इश्यूज। ओके, तो इस तरीके से प्राइमरी मार्केट में तीन तरीके से शेयर को इशू किया जा सकता है। एक तो होता है पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू। बॉन्ड भी इसी तरीके से होते, तो पब्लिक, प्राइवेट एंड राइट इशू, ये तीन तरीके के प्राइमरी मार्केट के अंदर इशू किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट इज सेकेंडरी मार्केट। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? सो ट्रेडिंग ऑफ ओल्ड सिक्योरिटीज ऑकर इन द सेकेंडरी मार्केट। ओल्ड सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, विच ऑकर्स आफ्टर ट्रांजेक्टिंग इन द प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में किसी शेयर को पहले बेचा गया, अब उस शेयर को रिसेल किया जा रहा है, दूसरी बार बेचा जा रहा है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में ही किया जा सकता है। तो ओल्ड सिक्योरिटीज आफ्टर प्राइमरी मार्केट, वो सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज एंट्री करेंगे, तब हम कहेंगे ओल्ड सिक्योरिटीज ट्रांजेक्ट हो रही। बट स्टॉक मार्केट ओवर द काउंटर ट्रेड्स कम्स अंडर द सेकेंडरी मार्केट। वी ऑल्सो कॉल दिस मार्केट एज अ स्टॉक मार्केट और आफ्टर मार्केट। इसको आफ्टर मार्केट भी कहते हैं क्योंकि प्राइमरी मार्केट के बाद बेचा जा रहा है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज अ आफ्टर मार्केट। एग्जांपल्स क्या है इनके? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई इंडिया के अंदर, देन एनएसई, ये सारे क्या है? एग्जांपल्स है सेकेंडरी मार्केट के।
तो गाइस इन सिंपल सेंस व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट वो है जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा, तो वो है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी दो चीजें, ओवर द काउंटर मार्केट एंड डीलर मार्केट। व्हाट इज डीलर मार्केट? कि बायर और सेलर के बीच में डीलर होता है, जैसे कि बीएससी, एनएससी। कोई भी शेयर जो बीएससी और एनएससी के थ्रू बेचे जाएंगे वो डीलर मार्केट के थ्रू बेचे जा रहे हैं। ओवर द काउंटर मार्केट मतलब क्या होता है कि बीएससी एनएससी के द्वारा बेचे नहीं जाते, ये बिना किसी स्टॉक एक्सचेंज के, बिना किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के इनको बेचा जाता है, तो वो क्या है? ओवर द काउंटर मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ओवर द काउंटर मार्केट एंड डीलर मार्केट, ये दो तरीके के मार्केट देखे जाते हैं। अंडरस्टूड? सो दैट्स ऑल हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेकेंड हैंड शेयर को बेचा जाएगा, एक तो वो ओवर द काउंटर मार्केट से बेचा जाएगा, मतलब विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बीएससी एंड एनएससी, या फिर वो डीलर मार्केट के थ्रू बेचा जाएगा, दैट मीन विद द हेल्प ऑफ बीएससी एनएससी। बीएससी क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंजेस है। अगर एक्सचेंजेस के थ्रू शेयर्स को खरीदा या फिर बेचा जाएगा तो वो डीलर मार्केट है। अगर एक्सचेंजेस के बिना शेयर्स को खरीदा या फिर बेचा जाएगा तो वो ओवर द काउंटर मार्केट है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी डिवाइड कैपिटल मार्केट इनटू प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। अंडरस्टूड? सो गाइस इस तरीके से हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो गाइस अब इस मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा फिर बेचा जाता है। जैसे हमने मनी मार्केट के अंदर देखा था कि ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, करेक्ट? तो ये सारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द मनी मार्केट। उसी तरीके से देर आर सर्टन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन टू द स्टॉक मार्केट। मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल मार्केट। तो वो कौन से हैं? इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर्स, फिर डेट, डेट मतलब बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स आर इंस्ट्रूमेंट हु डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, म्यूचुअल फंड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, हम उसी की बात कर रहे हैं। ईटीएफ, ईटीएफ मतलब म्यूचुअल फंड जैसा होता है, बस इसको हम किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर हम इनको ट्रेड कर सकते हैं। अब गाइस ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल में समझेंगे, बट राइट नाउ ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम हम इन सारे टॉपिक्स को अभी कवर नहीं कर सकते। इन सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।